यहाँ पे हम लोग क्या लेकर आए, रेशियो लेकर आए कि इंडिया का रेशियो और नेपाल का रेशियो, राइट। राइस को हम लोग क्या गिन रहे हैं, वन में ही काउंट कर रहे हैं, वन रेशियो हम लेकर आ रहे हैं। तो नेपाल का हम लोगों को मिल गया 1:0.5, क्योंकि अगर हम लोग राइस को 4:1 है तो 2:0.5 ही होगा सिंपली, ठीक है। अभी इसका ग्राफ बनाना है हम लोगों को, एक सेकंड, ये ऐड हुआ। यहाँ पे दिख रहा है ना ग्राफ, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस हमारा, ठीक है। नीचे लिया है वीट, इधर लिया है राइस, ठीक है। वाई एक्सिस पे लिया है हम लोगों ने राइस और नीचे लिया है हम लोगों ने वीट, ओके। अब क्या करना है हम लोगों को, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को, कि देखो इंडिया में अगर 1 यूनिट राइस बनेगा तो 2 यूनिट वीट बन सकता है, इतना मतलब वो मैंने ये करके दिखाया ना आपको, इसके अकॉर्डिंग रेशियो हम लोग लेकर आते हैं कि भाई किस रेशियो में चीज हो रही है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को। देखो यहाँ पे हम लोग लिखे सिंपली, यहाँ पे 1 ही लिखूंगी क्योंकि 1 ही है राइस में, लेकिन वीट में आपको दिखेगा 0.5 भी और 2 भी, तो मैं यहाँ पे ले आ रही हूँ 0.5, 1, 1.5 और 2, ठीक है। इस तरीके से मैं ले आई वेट में। अब इसमें भी राइस में भी लिख देते हैं ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी है, 0.5 और इधर 1, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, प्रपोर्शन सेम हो गया इसके अंदर। अब देखो इंडिया का अगर मेरे को करना हो, इंडिया का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या है, राइस अगर 1 है तो वीट क्या होगा, 2 होगा। तो अगर राइस अगर 1 है तो वीट क्या होगा, 2। हम लोग ये ले आए हमारा। और नेपाल में क्या है, क्योंकि हमको इंडिया नेपाल का साथ में बताना है ये चीज, ये हमारा क्या है इंडिया का, नेपाल का क्या हो रहा है, अगर राइस 1 है तो हमारा वीट कितना है इसमें नेपाल में, 0.5, ठीक है। सो ये जस्ट हम लोगों को ग्राफिकल खाली प्रेजेंटेशन करनी है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सो दिस इज इंडिया एंड दिस इज नेपाल, और ये हमारा क्या आ गया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने क्या दिया था, एडम स्मिथ ने किसको दिया था, फ्री ट्रेड, भाई उसको इंपॉर्टेंस दिया हुआ है, ऐसा समझना है कि भाई फ्री ट्रेडिंग है, कोई भी प्रोटेक्शन पॉलिसी कंट्री के अंदर नहीं है, ठीक है। तो ये थियोरी बन सकती है और ये अजम्पशंस हम लोगों को बताने तो ही हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये आपको टेबल दी हुई है टेबल पेज नंबर 6 पे, और फिर सेम एज इट इज उसका रेशियो में जो हम लोग ले आए वो आपको दिया हुआ है पेज नंबर 7 पे। देखो वही चीज दी है, इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल 1 दैट 1 यूनिट ऑफ लेबर प्रोड्यूसेस 2 यूनिट्स ऑफ वीट। इसमें ना मिस्टेक की है, यहाँ पे कट करके लिखना आप लोग, टेक्स्ट बुक होगी ना आपके पास, इसमें मिस्टेक की है। हाँ मैं बोल रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ मैं, 1 यूनिट ऑफ लेबर प्रोड्यूसेस, मतलब एक लेबर 2 यूनिट वीट के बना सकता है और 1 यूनिट राइस के बना सकता है इंडिया में। एक्चुअली ना गलती की है, रिवर्स किया हुआ है, तो वो थोड़ा करेक्ट करना आप लोग। एंड ऑन द अदर हैंड 1 यूनिट ऑफ लेबर, वहां पे नेपाल में एक लेबर 4 यूनिट्स राइस बना सकता है और 2 यूनिट्स वीट बना सकता है। देखो यहाँ पे वैसे लेबर दिया हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पे लैंड, अगर से फॉर एग्जाम्पल लैंड है, एक लैंड है और एक लैंड में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, अगर वो भी करना हो ना अपने को, अगर वो फैक्टर लेना हो तो वो भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक लेबर है, ऐसा समझो दिस इज 1 लेबर, एक लेबर 4 वीट बना रहा है 2 राइस बना रहा है भाई, उसका ऐसा इतना है स्किल, और ये इंडिया में। नेपाल में 1 लेबर वीट 2 बना रहा है और राइस 4 बना रहा है, ऐसा अज्यूम करके चलना है, ठीक है। तो ये एक लेबर है, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लेबर लिया है, लैंड नहीं लिया है,
सो यहाँ पे आपके पास आ जाता है वन यूनिट ऑफ राइस इक्वल्स टू टू यूनिट ऑफ वीट आ गया रेशियो, और नेपाल में वन यूनिट ऑफ राइस इक्वल्स टू 0.5 यूनिट ऑफ वीट। और नीचे आप देखोगे तो आपको ग्राफ मिलेगा इस तरीके से एकदम इजी, और एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज की आपको क्या मिल रही है जो इसमें बॉक्स में लिखा हुआ है ना, दैट इज द डेफिनेशन। इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन डालना और बताना थोड़ा बहुत एडम स्मिथ के रिलेटेड, एडम स्मिथ ने इसी चीज को क्या किया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल करे और फ्री ट्रेड रहे कंट्री में, ऐसी सब चीजें का रिलेटेड अज्यूम किया हुआ है। एक्चुअली इंटरनेशनल थ्योरी में एडम स्मिथ की कितनी थ्योरी के बोलते अपने फेमस नहीं है जितनी रिकार्डो की थ्योरी है। रिकार्डो की थ्योरी का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है कंपेयर टू एडम स्मिथ, ठीक है, बट तो भी हमको ये थ्योरी पढ़नी थी। ये थ्योरी पढ़ोगे ना एकदम अच्छे से तो आपको रिकार्डो थ्योरी आई जाएगी, वो भी थोड़ा बहुत उस स्टाइल में ही है लेकिन थोड़ा सा चेंज है उसके अंदर। बहुत ईजी थियोरी है वो, बहुत ईजी थियोरी, वहां पे भी थोड़ा स्पेशलाइजेशन और इसके ऊपर ही बात की है, ठीक है। सो यहाँ पे टेबल का एनालिसिस दिया हुआ है, ग्राफ का एनालिसिस दिया हुआ है, बस खत्म थियोरी हमारी, उससे ज्यादा कुछ नहीं बताया है इसके अंदर। सो इट इज क्वाइट क्लियर फ्रॉम द अबव एग्जांपल दैट इंडिया हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड नेपाल इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस। So it is essential that the condition of international trade, the ratio of production cost in two trading countries should be different. The cost ratio, हाँ, यहाँ पे अगर, for example, ratio यहाँ पे अलग आ रहा है ना, for example, अगर ratio same आता इंडिया का तो इंडिया चाहे वीट प्रोड्यूस करे या राइस प्रोड्यूस करे एक ही बात है। तो ये जो सेम है ना वो बताया है इक्वल कॉस्ट थ्योरी में जो एडम स्मिथ से पहले दी हुई है ना, तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा ना ट्रेडिंग करने का जब अगर सेम आ रहा है रेशियो, और नेपाल का भी 1:1 आया अगर तो क्या वर्थ ट्रेडिंग क्यों करें हम लोग फिर, तो बस ना फिर जो करना उनको करे जाके, क्योंकि रेशियो अलग ही नहीं आ रहा है, रेशियो सेम आ रहा है। कुछ भी लेबर कुछ भी बनाए ना, वीट बनाए या राइस ग्रो करे कुछ भी करे। तो ये इक्वल कॉस्ट एडवांटेज थियरी जो हमको आगे दी हुई है ना उसके अंदर बताई, ये इक्वल कॉस्ट डिफरेंस हमारा उसके अंदर ये चीज बताई थी। सो डिफरेंट होना चाहिए तो ही ये थियरी पॉसिबल होगी। सो इफ देयर इज नो ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज एंड बोथ द प्रोड्यूस बोथ द कमोडिटीज देन टू डेज लेबर विल प्रोड्यूस इन टू कंट्रीज अ टोटल ऑफ 6 यूनिट्स ऑफ वीट एंड 6 यूनिट्स ऑफ राइस। देखो अगर ये चीज चली, अगर ट्रेडिंग नहीं होती है फॉर एग्जाम्पल, तो कितने यूनिट्स बनेंगे टोटल, 6, यहाँ पे भी 6। लेकिन अगर हर कोई कंट्री अपने स्पेशलाइजेशन पे काम कर रही है तो इंडिया प्रोड्यूस करेगी 8 और नेपाल राइस क्या प्रोड्यूस करेगा 8। फर्क है ना इस चीज का कि स्पेशलाइजेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई। So supposing India specialize in wheat and Nepal in rice, so they traded with each other क्योंकि free trading है, तो सोचने की जरूरत है नहीं। So in this case, 2 days labor will produce a total of 8 units. अगर दो labor काम करेंगे तो 8 units बनाएंगे, दो दिन काम करेंगे। So thus total gain to both the countries will be 8 units of wheat and 8 units of rice minus 6 units of wheat and 6 units of rice, मतलब 2 wheat 2 rice, ऐसा बताया just। कुछ नहीं है ऐसा, अपने मर्जी से आप थियोरी को एक्सप्लेन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, हाँ अगर थियोरी समझ कर। बस फिर नेपाल विल स्टैंड टू गेन इफ इट गेट्स मोर देन 0.5 यूनिट्स ऑफ वीट बाय गिविंग 1 यूनिट ऑफ राइस टू इंडिया। अगर नेपाल ने 1 यूनिट राइस इंडिया को दिया तो उसको गेन कितना होगा, 0.5 का, और अगर इंडिया ने उसको से फॉर एग्जाम्पल वीट दिया तो इंडिया को कितना गेन होगा, 1 का गेन होगा, ये बताया है जस्ट। ग्राफ हम लोगों ने तभी बनाया है। ऑन द अदर हैंड इंडिया विल स्टैंड टू गेन गेट्स 1 यूनिट ऑफ राइस बाय गिविंग लेस देन 2 यूनिट्स ऑफ वीट, इट विल बी एडवांटेज टू बोथ द कंट्रीज इफ ऑन अकाउंट ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट दे स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ 1 गुड ईच, दस इंटरनेशनल ट्रेड टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट। अगर ये रेशियो अलग आ रहा है, ये जो कॉस्ट वगैरह अलग आ रही है, तो ही ये एडम स्मिथ की थ्योरी काम आ सकती है, वरना
नहीं आएगी भाई, अगर यहाँ पे इक्वल आएगा ना ये रेशियो, कोई काम की नहीं है ये थ्योरी, इंटरनेशनल ट्रेड कोई काम का नहीं है भाई, ठीक है। सो वाई एक्सिस पे राइस लिया है, एक्स एक्सिस पे वीट लिया है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बताया है, और क्या बता रहे हैं उसके अंदर वो अपने को बता देना है, एक्सप्लेन करना है ग्राफ को, दैट्स इट, खत्म थ्योरी। सो क्लियर, किसी को कोई डाउट एडम स्मिथ की थ्योरी में? एनीवन? नो मैम, एक बार वो 1:0.5 वाला समझा दो ना। हाँ, वो कैसे आया? 4 = 1 है तो 2 = how much? राइस को हम लोग 1, क्योंकि हम लोग रेशियो जो गिन रहे हैं ना वो राइस को 1 सपोज कर रहे हैं, 1 यूनिट, तो उसके सामने नेपाल का जो वीट है वो कितना है, ऐसा सामने 1, तो 2 के सामने 0.5 ही आएगा ना। ओके, समझे? तो ये इस तरीके से हम लोगों ने लिया है, और देखो राइस यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे 2 है तो 2 = 1, तो 4 = 2 आएगा ना हमारा वीट, राइस को 1 लिया है, तो ग्राफ हम लोग वैसा बना सकेंगे ना, अदरवाइज ग्राफ कैसे बनेगा उसके रिलेटेड। ओके, ठीक है। सो क्लियर एवरीवन? फिर दूसरा कुछ है, इतना सारा सब कुछ है, तो यार मैं बात कर लेती हूँ मैं सर से, या क्या देखती हूँ मैं आप लोगों को बता दूंगी।